बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन ने धन पर्याप्त मात्रा में भेज दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की अधिक समस्या उत्पन्न हुई है वहां पर शासन के एक IPS रैंक का अधिकारी जिले को भेजा गया है। एक सप्ताह जिले में रुककर अधिकारी शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल सहायता मुहैया कराई जाएगी। जिनके आवास पानी में समा गए हैं उन्हें तत्काल आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित की आकस्मिक मौत होने पर शासन से सहायता राशि भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शासन संवेदनशील है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बहराइच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मोबाइल दौरा करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद, यहाँ पर सरयू, घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल के जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तलहटी से तेजी के साथ जब जल आता है तो यहाँ के काफ़ी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं, उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2,500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दे जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF और PSC की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके इसके बारे में, पेयजल की आपूर्ति के लिए जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहाँ जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उन सभी क्षेत्रों में पहुँचाई गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उसका स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा दी जा सके। जनधन की हानि के लिए भी तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से किसी परिवार में किसी सदस्य की बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु होती है या किसी हिंसक जानवर के काटने से वो प्रभावित होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो 4,00,000 रुपये तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था उन पीड़ित परिवारों को की जा रही है। साथ साथ जिन लोगों के मकान टूट चुके हैं उन लोगों को वहां पर मकान उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था
की जा रही है, जिसमें जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं 95,000 रुपये उन्हें SDRF मद से उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पशु हानि पर भी अलग अलग श्रेणी के पशुओं के लिए धनराशि वितरण की व्यवस्था सभी प्रभावित परिवारों के लिए की जा रही है। हर जिला प्रशासन से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो फसल की हानि हुई है, क्योंकि धान की खड़ी फसल और गन्ने की फसल के साथ साथ सब्जियां की खेती भी नदी के तटवर्ती इन क्षेत्रों में किसानों के द्वारा की जाती है, इसका आकलन कर लें और इसके तत्काल बाद उन सब लोगों का भी व्यापक सर्वे करके उन्हें राहत सामग्री के साथ साथ जो भी सहायता मुआवजे के रूप में शासन के स्तर पर अनुमन्य है, इसके वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो जाए। प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बोर्न डिजीज की भी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से एक एक सीनियर IAS अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जलजनित और विषाणुजनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक प्रदेश के हर जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज